हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज के चरण में हम लोग बात करेंगे। कल सीबीटी का पेपर हुआ था, रियल लाइफ एग्जाम की तरह। 71 सेंटर ऑर्गेनाइज किए गए थे इंजीनियर्स एकेडमी के द्वारा, और उनमें आपको रियल एग्ज़ाम का एक व्यू दिखाया गया था, बताया गया था, जिसमें आप ये फील कर सके कि एग्ज़ाम देते समय हम कैसा महसूस करते हैं, और वही प्रेशर और वही सोच ताकि आप एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म कर सके। तो इसके लिए कल हमने एक टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया था। उस टेस्ट का रिज़ल्ट आप लोगों को मिल गया होगा या मिल जाएगा। तो आज उससे जीके से रिलेटेड जो 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनके एक्सप्लेनेशन पर हम बात करेंगे कि उनका एक्सप्लेनेशन क्या है और उनका राइट आंसर क्या है। तो आइए आज के चरण में हम बात करते हैं उन 50 क्वेश्चंस के जो जीके से रिलेटेड हैं, उनके आंसर क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। ये क्वेश्चन साइंस का है। ये कह रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग विल बी अ नेगेटिव आयन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋणात्मक आयन होगा? तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर जो है वो है बी। बी इज राइट आंसर। पहले का राइट आंसर क्या है? बी है। यदि इसमें न्यूट्रॉन की तुलना में अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो उस ऋणात्मक आयन होगा। तो राइट आंसर क्या है? बी। तो फर्स्ट का राइट आंसर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है डिमांड का। ये कह रहा है कि मांग वक्र का झुकाव ऋणात्मक क्यों होता है? व्हाई डिमांड कर्व वो डाउनवर्ड स्लोपिंग, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि डिमांड की, अगर डिमांड का डेफिनेशन आप देखें और डिमांड और प्राइस के बीच रिलेशन, तो आपको पता चलेगा कि ये ऋणात्मक क्यों होता है। तो डिमांड और प्राइस की हम बात करें तो आप जानते हैं कि डिमांड और प्राइस के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है। इसका मतलब ये कि whenever price of goods is increased, then demand is decreased. Whenever price of goods is decreased, then demand is increased. जैसे इसका मतलब ये है कि जब कभी भी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम होने लगती है, और जब कभी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ने लगती है। इसका मतलब मांग और वस्तु की कीमत में विपरीत संबंध होता है, निगेटिव रिलेशन होता है। तो आप देखेंगे उस निगेटिव रिलेशन के तहत, जब निगेटिव रिलेशन है तो इसका डिमांड कर्व क्या होगा? झुकाव। कैसे? आइए मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ये अपना डिमांड कर्व हो गया। आप देखेंगे एक्स और वाई एक्सिस पर यहाँ प्राइस और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड। मान लीजिए प्राइस 2 है, 4 है और 6 है, ठीक है। यहाँ पर 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 क्वांटिटी की डिमांड हुई। प्राइस 2 था तो डिमांड 3 थी, प्राइस 4 थी तो डिमांड 2 हो गई, प्राइस 6 हुई तो डिमांड 1 हो गई। तो आप देखेंगे प्राइस जैसे, अगर 2 से 4 हो रही है तो डिमांड 3 से 2 हो रहा है, प्राइस 4 से 6 हो रही है तो डिमांड 2 से 1 हो रहा है। मतलब जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे डिमांड जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। अगर हम इनको मैच करें तो वो ये इस पॉइंट पर मैच होंगे। तो इसका स्लोप कैसे बनेगा? ये डाउनवर्ड स्लोप है। अपवर्ड स्लोप कुछ इस तरह से होता है, प्रोपोर्शनेट इस तरह से, और डाउनवर्ड इस तरह से होता है। तो इसका स्लोप कैसा है? डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड क्यों है? क्योंकि कीमत और मांग के बीच विपरीत नकारात्मक नेगेटिव रिलेशन होता है। तो राइट आंसर इज बी। बी इसका राइट आंसर होगा। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्लांट हार्मोन दैट हेल्प इन द रिपाइनिंग ऑफ फ्रूट इन, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। आप सभी लोग जानते होंगे मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर कौन सा वो पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में सहयोग करता है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर है इथाइलीन। इथाइलीन जो है एक ऐसा हार्मोन है जिसमें अगर फलों में रख के अगर इसे ढक दिया जाए तो ये कुछ वक्त में ये फलों को पका देता है, और सर्वाधिक मात्रा में फलों को पकाने के लिए इथाइलीन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? Which of the following is not a indirect tax? Indirect tax इनमें से कौन नहीं है? आइए देखते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक example बताऊंगा जिसके through आप इसको समझ पाएंगे कि indirect tax कौन नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर हम बात करें यहां पर indirect taxes की,
तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें हम, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू आप इजी वे में समझ सकते हैं। जैसे अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल की बात करें, तो यहां पर इसका एग्जांपल है इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। इसका एग्जांपल है एक्सक्यूज मी कैसे, ई एक्स से एक्साइज ड्यूटी, सी यू से कस्टम ड्यूटी, एस ई से सर्विस टैक्स, एम से वैट मोड वैट, और ई से एंटरटेनमेंट टैक्स मनोरंजन कर। ये एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट टैक्स के। अगर इनडायरेक्ट टैक्स के, अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको बोलते हैं हम wepro.co.in। डब्ल्यू ई से होता है वेल्थ टैक्स मतलब धन कर, पी आर ओ से होता है प्रॉपर्टी टैक्स संपत्ति कर, सी ओ से होता है कॉरपोरेट टैक्स निगम कर, और आई इन से होता है इनकम टैक्स आयकर। ठीक है, तो ये वो एग्जांपल्स हैं जो डायरेक्ट टैक्स के हैं, और ये एग्जांपल्स इनडायरेक्ट टैक्सेस के हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो डब्ल्यू ई से वेल्थ टैक्स धन कर, धन कर किसका एग्जांपल है, डायरेक्ट टैक्स का। तो आप देखेंगे अभी जो आपने देखा उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस में ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो अप्रत्यक्ष कर धन कर नहीं है, वेल्थ टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, वैट इनडायरेक्ट टैक्स है, आप देखेंगे ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है, धनकर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव ये कह रहा है कि हरित स्वर्ण गोल्ड, ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है। तो ग्रीन गोल्ड के रूप में हम चाय को जानते हैं, चाय एक आप देखेंगे कमर्शियल प्लांट है, और चाय का पूरे वर्ल्ड में हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें दार्जिलिंग और असम की चाय बहुत फेमस है। तो चाय को हम ग्रीन गोल्ड के रूप में जानते हैं क्योंकि इसकी बहुत डिमांड होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ए ग्रीन गोल्ड। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है कि विच टू बेसिस फोर्सेज आर एबल टू प्रोवाइड एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स, कौन से दो बल दो न्यूट्रॉन के बीच एक आकर्षक बल प्रदान करने में सक्षम है। तो आप देखेंगे सिक्स का अगर हम आंसर देखें तो सिक्स का राइट आंसर इज सी, गुरुत्वाकर्षण और परमाणु बल। ग्रेविटेशनल एंड न्यूक्लियर जो फोर्स है वो इन दो न्यूट्रॉन के बीच आकर्षक बल पैदा करने में सक्षम होता है। तो सिक्स का राइट आंसर क्या है, सी। सिक्स का राइट आंसर क्या है, सिक्स है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है कि विच टाइप ऑफ डीएनए इज कॉमनली फाउंड इनसाइड द सेल, निम्न में से कौन सा डीएनए कोशिका सामान्य रूप से पाया जाता है, डीएनए में कौन सी कोशिका। तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर जो है वो है बी, डीएनए जो है ये डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या है, बी डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि भारत में पहला बैंक स्थापित हुआ था, द फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, फर्स्ट बैंक की बात कर रहा है। अब यहाँ फर्स्ट से तीन चार फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन कौन से आइए देखते हैं। अगर हम बात करें आंसर की, पहले बात करें तो इसका राइट आंसर होगा सी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्यों भाई, बैंक ऑफ हिंदुस्तान क्यों होगा, अवध कमर्शियल बैंक पीएनबी क्यों नहीं होगा, ये भी मैं आपको बताता हूं। तो आप देखेंगे कि यहां पर 1770 में एक इंग्लैंड की कंपनी थी जिसका नाम था द अलेक्जेंडर एंड कंपनी। द अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने भारत में पहला यूरोपियन मॉडल बेस्ड बैंक बनाया जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। यूरोपियन मॉडल बेस्ड बैंक का मतलब आज की तरह बैंक जिसमें प्रॉपर एक प्रमाइसेस है, वहाँ पर मैनेजर कैशियर पियोन ये सारी चीज़ें होती हैं। पहले हमारे यहाँ जो बैंकिंग सिस्टम होता था वो सेठ साहूकार और लैंडलॉर्ड्स किया करते थे, जो अपने घरों में ही मुंशी के द्वारा पैसों की लेन देन किया करते थे। तो यहाँ पर पहली बार 1770 में एक यूरोपियन मॉडल बेस्ड बैंक बनाया गया जो भारत का पहला बैंक था,
ठीक है, तो उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हालांकि ये बैंक कुछ वर्षों के बाद आप देखेंगे ख़त्म हो गया, लोगों ने इसका पैसा लौटाने की कोशिश नहीं करी और ये बैंक डूब गया। तो ये पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि पहला भारतीय बैंक कौन सा था, तो अगर आप देखें तो पहला भारतीय बैंक था अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक में पहली बार अंग्रेज और कुछ भारत के लोगों ने मिलकर इस बैंक की स्थापना की, ठीक है, और ये पहला भारतीय बैंक था क्योंकि पहली बार भारतीयों के द्वारा शेयर करके कोई बैंक एस्टैब्लिश किया गया था, इसलिए इसे हम पहला भारतीय बैंक कहा जाता है। बट अगर हम पीएनबी की बात करें तो 1894 में पीएनबी की स्थापना हुई और इसमें पूरी तरह से इंडियंस ने मिलकर इस बैंक को स्थापित किया और इसमें एक कोई भी शेयर अंग्रेजों का नहीं था, तो हम पीएनबी को कंप्लीट इंडियन बैंक, फर्स्ट इंडियन बैंक के नाम से जानते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई, 1955 में इंपीरियल बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया और इसका नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान, भारत का पहला भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक और भारत का पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आप देखेंगे विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो अगर एरिया वाइज हम बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वो है सुपीरियर, ठीक है, अमेरिका की फेमस झील है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है एरिया वाइज। तो राइट आंसर इज बी, सुपीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव ए बाइकैमरल लेजिस्लेशन। इनमें से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है, तो बताएं। तो आप देखेंगे इसका एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप इसको याद कर सकते हैं कि इन किन राज्यों में है। तो आप देखेंगे इसका शॉर्ट ट्रिक है कुंभ एट, ये देख सकते हैं, के से कर्नाटक, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश और टी से तेलंगाना। ये वो राज्य है 6 जहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेशन है स्टेट में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में भी लेजिस्लेशन लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाने की बात की गई है, लेकिन अभी हटाया नहीं गया है, तो उसके बाद ये बच जाएगा, ये हो जाएंगे 5। अभी आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल था जो अभी यूनियन टेरिटरी बन गया, तो यहां से भी लेजिस्लेटिव काउंसिल आप देखेंगे समाप्त हो गया। तो अभी राइट नाउ 6 स्टेट में है, अगर आंध्र प्रदेश का हट जाता है तो ये हो जाएंगे 5। तो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो इनमें से कौन है, बिहार में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में भी है, कहाँ नहीं है, तो आप देखेंगे राजस्थान में। तो राजस्थान इज राइट आंसर, राइट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज, कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है जी। तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर जो है वो है डी इज राइट आंसर, इसमें फिजिकल चेंज नहीं होता। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस जो है एलपीजी का दहन, इसमें आप देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन नहीं होता, कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। राइट आंसर इज डी, 11 का आंसर क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विच इज द एग्जाम्पल ऑफ सेसेलाइन एनिमल अमॉन्ग फॉलोइंग, निम्न से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है। तो अचल जीव का उदाहरण क्या है जी, यूकेलिप्टस, ये अचल है, यूकेलिप्टस एक ही जगह स्थिर होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता है, तो यूकेलिप्टस इज द राइट आंसर। तो 12 का राइट आंसर क्या है, डी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से क्या आयोडाइज्ड नमक में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट में कौन सा पाया जाता है तत्व। तो देखेंगे आप राइट आंसर 13 का जो है वो है बी, पोटेशियम आयोडाइड पाया जाता है नमक में, जिसकी वजह से हमें आप देखेंगे इसकी प्राप्ति होती है, तो पोटेशियम आयोडाइज राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि यूनिट ऑफ प्रोटीन मोलिकुल इज, प्रोटीन अणुओं की इकाई है, प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है जी। तो राइट आंसर इज बी,
इसकी इकाई में अमीनो अम्ल होता है प्रोटीन में, ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 15, ये इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देखेंगे ये कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु क्या है, तो अगर हम अभी देखें तो अभी रिटायरमेंट की एज है 62 ईयर्स। हालांकि 114 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पेश किया गया था 2010 में, जिसमें इनकी एज 62 से 65 बढ़ाने की बात की गई थी, लेकिन 15वीं लोकसभा के विघटन होने के बाद ये बिल पास नहीं हो सका था और आप देखेंगे उनकी एज 62 ही रह गई। अभी सरकार कोशिश कर रही है कि इनकी एज को दोबारा से बिल पेश करके और इनकी एज बढ़ाई जाए, तो राइट नाउ अभी इनकी एज 62 ईयर्स है। एक और फैक्ट मैं आपको बताऊं कि 15वां संविधान संशोधन हुआ, 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963, और इसी अमेंडमेंट एक्ट के दौरान इनकी हाई कोर्ट के जजेस की एज 60 से बढ़ाकर 62 ईयर्स की गई, जो अभी भी 62 ईयर्स है। तो आप देखेंगे अभी क्या है, 62 ईयर्स है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1963 द्वारा जजेस की जो एज है रिटायरमेंट एज उसको 62 ईयर डिसाइड किया गया था, और 65 ईयर्स की एज के लिए एक अमेंडमेंट बिल पेश किया गया था, लेकिन वो अमेंडमेंट पास नहीं हुआ क्योंकि 15वीं लोकसभा डिसॉल्व हो गई, ठीक है। तो अभी राइट आंसर इज सी, 62 ईयर्स। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि विच वॉज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाई मैन, मनुष्य द्वारा इस्तेमाल की गई पहली धातु कौन सी है, तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर ए होगा, तांबा। आप देखेंगे अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो उस समय कांसा ब्रॉन्ज का यूज इस्तेमाल किया गया। ब्रॉन्ज क्या होता था, तो तांबा और टीन का एक मिक्सर मेटल होता था जिसको वो लोग इस्तेमाल करते थे, तो सबसे पहले मनुष्य जो है उसने कॉपर तांबा का इस्तेमाल किया था, तो राइट आंसर इज ए, ए है इसका राइट आंसर 16 का। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से फाइलम सेलियोफोरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से कौन दर्शाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मोस्ट क्लोजली रिप्रेजेंट्स मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइलम सेलियोफोरिया, इनमें कौन इस फाइलम सेलियोफोरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से कौन दर्शाता है, तो आप देखेंगे कि 17 का जो राइट आंसर है वो है सी, कंजुगेशन। कॉन्जुगेशन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, जिसमें आप देखेंगे कि फीमेल के जो अंडाणु होते हैं और मेल के स्पर्म, वो दोनों मिलके कंजुगेशन बनाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे रिप्रोडक्शन शुरू होता है, मतलब आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग पादप कोशी में अनुपस्थित होता है, विच ऑर्गेन इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में कौन सा ऑर्गेन अनुपस्थित होता है जी, तो आप देखेंगे 18 का जो राइट आंसर है वो है सी, तारकाय। सेंट्रोमोस जो होता है, क्रोमोसोम सेंट्रोमोस जो होता है वो इसमें अनुपस्थित होता है, तो राइट आंसर क्या है सी का, राइट 18 का राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है पोटेशियम ग्रेफाइट एंड कैल्शियम ग्रेफाइट का सामान्य उपयोग निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है, पोटेशियम ग्रेफाइट और कैल्शियम ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में दर्शाया जाता है जी, तो आप देखेंगे 19 का जो राइट आंसर है वो है सी, सुपर कंडक्टर के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं पोटेशियम ग्रेफाइट एंड कैल्शियम ग्रेफाइट का। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, कौन सी है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इस बात का ध्यान रखें वीवीआई है और मल्टीपल एग्जाम्स में पूछे गए, तो ये आप देखेंगे इसका राइट आंसर जो है वो है कृत, लीवर इज राइट आंसर। लीवर हमारे शरीर का, मतलब मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, ग्लैंड, ठीक है, ह्यूमन सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण तत्व जो जलाशयों में पाया जाता है मीना माता बीमारी का मुख्य कारण है, जो हम लोग बोलते हैं कि माता आ गई, तो इसमें मिनी जो माता है उसकी बीमारी का कौन सा कारण है, तो 21 का अगर हम आंसर देखें तो 21 का आंसर है
ए मरकरी की वजह से ये बीमारी होती है, जिसमें आप जलाशय में जो भी वाटर बॉडीज होती है वहाँ पर ये एलिमिनेटेड पॉल्यूशन होता है जिसमें मरकरी होता है और उसकी वजह से ये हमें मीना माता होता है। तो राइट आंसर इज ए, 21 का राइट आंसर क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त ग्रुप सबसे कम पाया जाता है, सबसे कम कह रहा है कि सबसे कम कौन सा रक्त ग्रुप पाया जाता है। तो राइट आंसर इज, आप देखेंगे 22 का राइट आंसर क्या है, सी, ए बी निगेटिव सबसे कम पाया जाता है जी, बी पॉजिटिव कॉमन है, ए बी निगेटिव जो है वो बहुत रेयर एंड रेयर ब्लड ग्रुप है, बहुत कम लोगों का मिलता है। तो राइट आंसर इज सी, 22 का राइट आंसर क्या है, सी है। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जड़ता के नियम को सही बताता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट एक्सप्लेन्स लॉ ऑफ इनर्टिया। कौन सा है जो जड़ता के नियम को सही बताता है जी? तो राइट आंसर जो 23 का है वो है न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, वो यहाँ पर हमें ये बताता है कि इनर्टिया का एक्चुअल डिफिनेशन क्या है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि यदि एक कार की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कोई कार 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का काइनेटिक जो एनर्जी है उस पर उसका क्या इफेक्ट होता है। तो अब देखेंगे इसका राइट आंसर जो है वो है 4 times जो है उसकी काइनेटिक ऊर्जा बढ़ जाती है अगर किसी कार की स्पीड जो है वो डबल होती है, मतलब 30 से 60 या 40 से 80 होती है, जब भी डबल स्पीड बढ़ेगी तो 4 times उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो राइट आंसर इज बी, 4 times। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और इसमें जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते भी हैं हमने अपने एग्जाम में। तो यहाँ पर कह रहा है कैवल्य का संबंध किस धर्म से है। तो जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति को आप यहाँ पर कैवल्य कहा गया है, केवलीन, जिसको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो। तो महावीर ने 30 की उम्र में अपना घर छोड़ा और 12 की कठोर तपस्या के बाद 42 की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनको कुछ नाम से जाना गया, केवलीन, जीन, अरहत, ऐसे कुछ नाम। तो सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति को हम कैवल्य बोलते हैं जो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास संपन्न हुआ। अभी रिसेंटली एक इंद्र युद्धाभ्यास वॉर एक्सरसाइज किया गया है, तो ये जो इंद्र वॉर एक्सरसाइज है ये किन दो देशों के बीच हुआ है। तो 26 का राइट आंसर क्या है, सी, रूस के साथ हमने इंद्र वॉर एक्सरसाइज किया है। तो राइट आंसर इज सी, रूस और भारत के बीच ये वॉर एक्सरसाइज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, ये कह रहा है कि भारतीय औषधि कोष को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। भारतीय औषधि, इंडियन कॉस्मेटिक एंड जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है 1983-84 जो हमारे यहाँ नॉर्म्स रूल्स बने हैं उसी को आधार मान के अफगानिस्तान ने अपने अभी ये जो एक्ट है, ये सेम जो एक्ट है इसको एक्सेप्ट किया है। तो राइट आंसर इज सी, भारतीय औषधि कोष को मान्यता देने वाला भारत के बाद भारतीय औषधि कोष को मान्यता देने वाला देश अफगानिस्तान बन गया है। तो राइट आंसर इज सी, राइट आंसर क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि वर्ल्ड इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन अवार्ड किसे दिया गया है या किसे सम्मानित किया गया है। तो एसले बार्टी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की एक फेमस टेनिस प्लेयर है जिनको ये अवार्ड दिया गया, ITF का विश्व चैंपियनशिप अवार्ड। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। अब इनका नाम हमें ध्यान तो रखना ही है, साथ में कंट्री का नाम भी याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया की ये प्लेयर है टेनिस की, फेमस प्लेयर, जिनको ये ITF विश्व चैंपियन अवार्ड
से नवाजा गया है और दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनमें से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो अब देखेंगे 29 का जो राइट आंसर है वो है डी, अल्ट्रासोनिक जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, डी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नीति कोण का मान होता है। द एंगल ऑफ डीप एट मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ अर्थ इज, कितना होता है जी नीति कोण का मान। तो आप देखेंगे 30 का जो राइट आंसर है वो है बी, 0 डिग्री होता है बॉस। यहां पर जो मैग्नेटिक इक्वेटर है उस पर 0 डिग्री होता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है डेसिबल क्या है। डेसिबल को हम क्या कहते हैं, डेसिबल इज। तो डेसिबल को क्या कहा जाता है जी, तो अब इसका राइट आंसर है डी, ये मेजर ऑफ साउंड लेवल। साउंड लेवल, सुनने के लेवल को मापने के लिए हम डेसिबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी, ध्वनि स्तर की एक माप है जिसके थ्रू हम ये मेजर करते हैं कि सुनाई को, सुनने को मेजर करते हैं। ठीक है, राइट आंसर इज डी 31 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि किरचॉफ धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। ये जो किरचॉफ धारा नियम है ये किसके संरक्षण पर आधारित है। तो आप देखेंगे अगर 32 के आंसर की हम बात करें तो राइट आंसर इज सी, सी जो है इसका राइट आंसर है, चार्ज। चार्ज के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं जो किरचॉफ धारा है ये चार्ज को संरक्षण प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि m द्रव्यमान के एक कण की गतिज ऊर्जा e है, इसका संवेग क्या होगा। तो 33 का अगर हम आंसर देखें तो इसका राइट आंसर है a। ठीक है, तो 33 का राइट आंसर क्या है, a है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि किस राज्य ने देश में पहला अवशिष्ट पोर्टल शुरू किया है। अवशिष्ट जो भी वेस्टेज होंगे जो हम लोग अपने घरों से निकालते हैं, जिसमें आप देखेंगे येलो और ग्रीन बॉक्स निकलता है, तो अवशिष्ट पोर्टल की शुरुआत की है ऐप, जिस पोर्टल के थ्रू आप ऑनलाइन आप कंप्लेन करेंगे या बताएंगे और वहां से गवर्नमेंट उन सारे जो भी वेस्टेज है उनको वहां से डिस्पोज करेगी, वहां से ले जाके प्रॉपर डिस्पोज करेगी। तो पहली बार एक इस तरह का एक ऐप पोर्टल शुरू किया गया है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन कंप्लेन करके घर से ही अपने वेस्टेज को कलेक्ट करवा सकते हैं और उसको सही जगह डिस्पोज करवा सकते हैं। तो राइट आंसर इज सी, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये पहला पोर्टल शुरू किया है, आप देखेंगे वेस्ट प्रपोजल, वेस्ट पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि अयस्क कॉपर पायराइट का सांद्रण किया जाता है। द ओरे कॉपर पायराइट इज कॉन्सेंट्रेटेड बाई, किसके द्वारा किया जाता है। तो आप देखेंगे 35 का राइट आंसर है बी, बी इज राइट आंसर, फोर्थ फ्लोरेशन प्रोसेस के द्वारा हम एस कॉपर पायराइट का सांद्रण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है। अभी रिसेंटली करंट में मूव कर रहा था कि विच ऑफ द फर्स्ट अरब कंट्री टू स्टार्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। राइट आंसर इज सी, कतर के द्वारा एक नया पावर प्लांट शुरू किया गया है और ये पावर प्लांट आप देखेंगे एटॉमिक एनर्जी का होगा और ऐसा करने वाला पहला अरब कंट्री है कतर। ठीक है, तो यूएई का एक देश है कतर जो जिसने ये प्लांट शुरू किया है। तो राइट आंसर इज बी, कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया। तो राइट आंसर इज लीटन, 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया अमृत बाजार और सोम प्रकाश पत्रिका के ऊपर। ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के एक्ट है क्या। तो पहली बार लीटन ने कुछ ऐसे प्रेस थे जो अंग्रेजों के खिलाफ अपने मैगजीन में लिखा करते थे,
इंडियंस इस पेपर इस मैगजीन को प्रिंट करते थे, उनको पब्लिश करते थे, तो इसको दमन इसका दमन करने के लिए, इसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने आइडेंटिफाई किया उन मैगजीन्स और पेपर को जो अंग्रेजों के खिलाफ लिखते हैं। तो उसमें सोम प्रकाश और अमृत बाजार पत्रिका जो थी वो फेमस थी, जिसमें इन इन सभी ऐसे मैगजीन और पेपर पर प्रतिबंध लगाया गया जो अंग्रेजों के विरुद्ध लिखते हैं। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के थ्रू प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया, और ये प्रतिबंध लगाने वाला कोई और नहीं लॉर्ड लिटन था, जिसने 1878 में ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था। हालांकि बाद में रिपन ने इस एक्ट को खत्म कर दिया, एबोलिश कर दिया। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी, लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन इज 2 मिथाइल प्रोपेन इज 2 मिथाइल प्रोपेन में 3 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी होती है। तो अगर हम 38 के आंसर की बात करें तो इसका आंसर है सी, 3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि निम्नलिखित यौगिक का IUPAC का नाम क्या होगा। तो अगर हम 39 के आंसर की बात करें तो आंसर इसका होगा डी, 2-methanol-propane। 2-methanol-propane जो है इसका राइट आंसर होगा, 39 का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 40। बेरी बेरी जो ये बीमारी है वो किसकी कमी के कारण होता है। कई बार एग्जाम में बेरी बेरी पूछा गया है, तो बेरी बेरी जो बीमारी है ये किसकी कमी के कारण होता है। तो आप देखेंगे ये थायमीन जो है इसकी कमी के कारण ये बीमारी हमें बेरी बेरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि जब 3D छवियों का प्रक्षेपण 2D सतह पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। 3D इमेज दैट इज प्रोजेक्टेड एंड कैप्चर ऑन ए 2D सरफेस इज कॉल्ड अ डैश। 3D छवि को हम 2G पर जब दिखाते हैं तो उसको क्या कहते हैं बॉस। आइए, 41 का जो राइट आंसर है वो है ए, होलोग्राम। जब 3D को हम 2D पर दिखाते हैं तो उस छवि को हम क्या कहते हैं, होलोग्राम। ठीक है, तो 41 का आंसर ए, होलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि 1921 में एक मोपला रिवोल्ट हुआ था। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, तो 1921 में मोपला रिवोल्ट ये हुआ कहाँ था। तो सबसे पहले इसका आंसर हम देखें तो आंसर है केरल। केरल में अली मुसलियार ने ये मूवमेंट शुरू किया था। ये ट्राइबल मूवमेंट्स था और जिसमें जो ट्राइबल्स थे वहाँ के और पीजेंट्स, उन सभी ने मिलकर ये रिवोल्ट किया था केरल में। तो 1921 में मोपला रिवोल्ट केरल में हुआ और इसके जो इंडियन कमांडर थे वो थे अली मुसलियार के नाम से हम उन्हें जानते हैं। ठीक है, ये है मोपला रिवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे कम वन का फैलाव है। अमंगेस्ट द फॉलोइंग इंडियन स्टेट विच वन हैज द मिनिमम टोटल फॉरेस्ट कवर। मिनिमम टोटल फॉरेस्ट कवर किस में है जी, सिक्किम में है, गोवा में भी है, केरल में भी, हरियाणा। हरियाणा इज राइट आंसर सी, सबसे कम वन का अनुपात जो है, सबसे कम फैलाव वो है हरियाणा में। तो राइट आंसर इज सी, 43 का राइट आंसर क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, UHF बैंड की रेंज क्या है। UHF बैंड की रेंज क्या है जी, तो 44 का राइट आंसर है ए, 300 MHz से 3 GHz। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए, 44 का राइट आंसर क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम, 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एज, कीड़े के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो आप देखेंगे कीड़े के अध्ययन को कहा जाता है कीट विज्ञान, इट मींस एंटोमोलॉजी, जो है कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है कीड़े के अध्ययन को। तो राइट आंसर इज सी, 45 का राइट आंसर क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है किसी अन्य जीवित जीव पर जीवित रहने वाला एक जीव क्या जाता है, मतलब किसी अन्य जीव पर जिसकी निर्भरता डिपेंडेंसी दूसरे जीव पर होगी, तो उसको हम बोलते हैं परजीवी। परजीवी पैरासाइट्स, जो पैरासाइट्स है वो दूसरों पर निर्भर होते हैं, मतलब उनका जो फूड है वो दूसरों से वो लेते हैं। जैसे आप देखेंगे जोंक होता है,
आप देखेंगे जुए होती है, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिसकी निर्भरता दूसरे जीवों पर होती है, उससे वो अपना भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। तो 46 का राइट आंसर इज बी, पैरासाइट्स जो है ये दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि डैश द इज द प्रोसेस बाय विच टू सेल्स स्प्लिट आफ्टर सेल डिवीजन, किसके जिसके द्वारा कोशिका विभाजन के बाद दो कोशिकाओं का विभाजन होता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो 47 का जो राइट आंसर है वो है बी, साइटोकाइनोसिस हम बोलते हैं इसको, जब दो सेल अलग होते हैं आपस में तो उसको हम साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, हुसैन सागर झील कहाँ है, फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हुसैन सागर झील जो है वो हैदराबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज सॉयल इज डैश, मिट्टी में एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, क्या कहते हैं भाई। तो 49 का जो राइट आंसर है वो है बी, राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है मिट्टी में, ठीक है, सॉयल में, तो इसको हम राइजोबियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट, सबसे प्रचुर खनिज समूह है, द मोस्ट अबंडेंट मिनरल ग्रुप कौन सा है भाई। तो राइट आंसर ही सी, सिलिकेट जो है सबसे प्रचुर खनिज समूह है। ठीक है, तो 50 का राइट आंसर सी है। तो इस तरह से आपने देखे कि जो 50 क्वेश्चंस जीके के थे उसके ये कुछ आंसर हैं, आप लोग इसको मैच करें, कितने आंसर सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, और मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चन से आप सभी को काफ़ी बेनिफिट होगा, और आप ऐसे ही अगले टेस्ट में भी आप बेस्ट परफॉर्म करें, इसकी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, मैं दिनेश अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं निम्बस लर्निंग पावर्स बाय इंजीनियर्स एकेडमी पे। सीबीटी का पेपर आपने दिया, इंजॉय किया होगा, बहुत सारे अच्छे रिव्यूज़ हैं, और एग्ज़ाम से पहले अगर ऐसी प्रैक्टिस मिल जाए, रियल टाइम प्रैक्टिस, तो कहना ही क्या। ऐसी अगर प्रैक्टिस आपने अगर प्रॉपर ढंग से कर ली है, तो आपने क्या गलतियाँ की हैं, क्या आपने यहाँ पर अच्छाइयाँ फील की हैं, वही एक्चुअली आपके साथ आगे 15 दिन में, आगे 10 दिन में आपके साथ में होने वाला है। तो इसी को कंटिन्यूशन में लेते हुए मैं उसमें नॉन टेक का कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 51 टू 100 को एक्सप्लेन करने के लिए आया हूँ। मैं दिनेश अग्रवाल हूँ रीजनिंग के लिए। क्या क्या हम लोग किस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कैसी स्ट्रेटजी रखते हैं, क्या आपने किया और क्या उसके जगह होना चाहिए था, इसको मैं डिस्कशन में लेता हूँ। पहला क्वेश्चन जो आपके पास अवेलेबल है, यहाँ पर कहता है शब्दकोश के अनुसार चौथे स्थान पर आएगा, जैसा कि हमने अल्फाबेट टेस्ट पढ़ा है, फोर्थ प्लेस पे आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हमें अरेंजमेंट ऑफ लेटर आना चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ लेटर हम लोग किस तरीके से करते हैं, बेसिक आइडिया आपको मैंने समझाया भी था, कंसेप्ट में क्या करना है, जो इक्वल है वो कंसिडर होंगे नहीं, उसके बाद में जैसे जैसे डिफरेंट वन होगा उसको हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं। MIN कॉमन है अपने पास में, MIN यहाँ भी कॉमन है, MIN कॉमन है, और उसके बाद MIN यहाँ पर भी कॉमन है, इससे तो बनना ही नहीं था। अब यहाँ पर आपके पास में आता है I, यहाँ पर आपके पास में E, E अगर पहला है तो ये नंबर वन पे आएगा आपके पास में, ठीक है। यहाँ पर अगर N आपके पास में आ गया, और यहाँ पर भी आपके पास I है, और यहाँ पर आपके पास में K है, K मतलब 11, I मतलब 9, N मतलब 14, और उसके बाद में E मतलब आपके पास में जो वैल्यू थी आपके पास वाई थी 5, और यहाँ पर I आपके पास में 9 पे आया। देखिए अब वर्बली हम लोग कैसे कर पाते हैं, 5 वाला फर्स्ट पे आएगा, ये नंबर 1 पे आ गया, उसके बाद 9 पे जो आपके पास वैल्यूज अवेलेबल हैं ये 2 और 3 नंबर पे जानी है, ठीक है, 2 और 3 नंबर पे, कौन सा 2 और 3, तो हमें तो देखना है कौन सा है, फोर्थ प्लेस पे जाना है, क्योंकि फोर्थ प्लेस पे आपके पास आएगा MINK, तो फोर्थ प्लेस पे आप जाएंगे तो आपके पास क्वेश्चन का आंसर था MINK। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो कैसे आपको देखना था क्वेश्चन को, वो मैंने आपको समझाया। उसके बाद की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड के पर्पस से, सेकंड नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है क्या, एक शब्द जो आपके पास दिया गया है वो अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। मैंने कहा था पढ़ना, आराम से पढ़ना, नहीं बनाया जा सकता या बनाया जा सकता है, कैसे करना है, तो आपके पास जैसे वैल्यू आया था कि नहीं बनाया जा सकता, मतलब आप इसका यूज करके, पहली बार मैं देख पा रहा हूं कि वाई यहां पर अवेलेबल है, वाई कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, तो वाई अगर है ही नहीं तो वाई का यूज यहां पर नहीं किया जा सकता। तो ऐसे लुक,
एट ए ग्लांस, देखते अगर मिल गया तो काम हो गया, तो यही एक वर्ड है जो आप यहाँ पर नहीं बना सकते। जो आपके पास वैल्यू अवेलेबल है वो सी की वैल्यू है, क्योंकि आपके पास एक वाई यहाँ पर, जो वाई आपके पास दिए गए वर्ड के लेटर्स में है ही नहीं। अब चूंकि है नहीं तो हम लोग ये बना भी नहीं पाएंगे। फर्दर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगला को जो क्वेश्चन देखा गया है, यहाँ पर आपको दिखाया गया ई आर डी आई एस और पी, जो आपके पास लेटर्स अवेलेबल हैं, इनसे आप कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं या मीनिंगफुल वर्ड इनमें से कौन सा है। तो इन सबको हम लोग एनालाइज करें कि यहाँ पर देखा जाए तो एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है, कॉम्बिनेशन कौन सा है जो एक मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट होगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो पहला जो यहाँ पर स्टार्टिंग है सेकेंड, सेकेंड मतलब कोई भी एक लेटर आर से स्टार्ट होगा, आर के बाद में यहाँ पर थर्ड लेटर दिया था आर डी, जनरली क्लिक नहीं कर पा रहा, ऐसे में पांचवा लेटर 1 2 3 4 एंड 5 एस 1 2 3 4 5 एंड 6 आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं अगर लेटर्स को देख पा रहा हूँ तो जो मुझे समझ में आता है वो है स्पाइडर, एस पी आई डी ई एस पी 5 6 5 6 5 6, ये रहा डी क्वेश्चन, डी आपके पास क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है। 53 में क्वेश्चन का आंसर था डी। यहाँ पर के बाद में अगर हम चले 54 में, यहां पर कहता है कि कौन सा साइन आप काम में लोगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैंने हमेशा कहा कि करके देखना ऑप्शन होता है, अगर कहीं पे डिवाइड का साइन आता है तो आप डिवाइड को कंसीडर करें, अदरवाइज आपके पास करके देखना ही क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो यहां पर कौन सा साइन कंसेक्यूटिवली रखे जाए कि इक्वेशन बैलेंस में आ जाए। इक्वेशन बैलेंस में आने के लिए अगर हम लोग देखें तो पहला अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो वैल्यू आएगी मेरे पास 50, माइनस 4 करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आती है 44। अगर मैं ये रखता हूँ तो मल्टीप्लाई का मतलब 44 प्लस 0, ये लो जी पहले में ही काम हो गया। पहला ही अगर मैं ऑप्शन रखता हूँ यहाँ पर तो जो मेरे क्वेश्चन का आंसर है वो मैच कर जाएगा। यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू का आंसर है, ए क्वेश्चन का आंसर आपके पास है। नेक्स्ट आपके पास है कि कौन सा एक मीनिंगफुल ऑर्डर जो है इन वर्ड्स का बन सकता है, जो आपके पास वर्ड्स आए हैं इनका कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, कौन सा मीनिंगफुल सीक्वेंस बन सकता है। वर्षा, बचाव, शरण, मानसून, बाढ़ और राहत, रेन, रेस्क्यू, शेल्टर, मानसून, फ्लड और रिलीफ। अगर हम देखें तो एक प्रोसेस की बात कर रहा है और ये प्रोसेस है बारिश का, तो बारिश के प्रोसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले होगा मानसून सीजन, तभी बारिश होगी, और मानसून सीजन में पहले मानसून सीजन होगा उसके बाद बारिश होगी, उसमें अगर बात करें तो फिर आपके पास में बननी चाहिए बाढ़, तो आपके पास सीक्वेंस जो आना चाहिए 2 1 2 1 और उसके बाद 4 2 1 4, यहाँ नहीं है 2 1, यहाँ है ही नहीं 2 1, केवल एक ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है जहां पर आप ऐसा कोई क्वेश्चन कह सकते हैं कि 2 1 4 जो आपके पास था वो कौन सा ऑप्शन है, तो सी आपके पास क्वेश्चन का आंसर आपके पास निकल के आता है 55 के रेस्पेक्ट में। अगर हम लोग 56 के रेस्पेक्ट में चलें, क्वेश्चन जो आपको आता है यहां दिखाई दे रहा है डायरेक्शन साइंस का है, क्वेश्चन को देखते हैं, राजू का मुंह किस दिशा की ओर है, राजू का मुंह किस दिशा की ओर है। जब भी आपको लास्ट साइड कैलकुलेट करनी है, परिणामी दिशा निकालनी होती है, तो आप इस बात को ध्यान से रखें कि जब भी परिणामी दिशा फाइंड आउट करनी होती है तो डायग्राम बनाए या ना बनाए, बिना बनाए भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, पहले उसका मुंह कहां पर था, नॉर्थ की ओर फेस करके था, इसके बाद वो रोटेट क्या कर रहा है, नॉर्थ की ओर उसका फेस है और फिर वह दाया राइट टर्न करता है, उसके बाद में और फिर वो नॉर्थ ईस्ट में चला गया, मतलब यहां से चला गया, ये तो हटा दे हम लोग, नॉर्थ ईस्ट में आ गया, नॉर्थ ईस्ट में चलता है, फिर वह अपने दाईं ओर घुमा राइट, और फिर वह अपने दाईं ओर घुमा फिर से राइट, और फिर वह अपनी बाईं ओर घुमा लेफ्ट। अब राजू का मुंह किस दिशा में है, आप खुद ही क्वेश्चन को इजी गोइंग तरीके से कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट से एक बार आप राइट लेंगे, फिर राइट लेंगे, फिर लेफ्ट लेंगे, जैसा कि समझाया गया है कि लेफ्ट राइट एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट किए जा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट से अगर आप राइट लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट आपका चेहरा अगर अवेलेबल है राइट लेते हैं, तो आप बाय डिफॉल्ट साउथ और ईस्ट में चले जाते हैं, साउथ ईस्ट आपके पास क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो आपके पास है फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्वेश्चन का आंसर था साउथ, नॉर्थ ईस्ट से अगर आप एक बार राइट टर्न करेंगे तो आप बाय डिफॉल्ट साउथ और ईस्ट में ही जाएंगे, तो क्वेश्चन का आंसर आपके पास ए साउथ और ईस्ट होना है।
फिर से आपके पास एक क्वेश्चन अवेलेबल है डायरेक्शन सेंस के रिस्पेक्ट में। डायरेक्शन में कहता है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान से जब दूरी पूछी जाती है तो आपको एक डायग्राम प्लॉट कर लेना चाहिए सेफ साइड के पर्पज से। क्वेश्चन में कहता है क्या, राजू वॉक 4 किलोमीटर इन वेस्ट, सपोज दैट ये उसका ओरिजिन पॉइंट है और यहाँ से वेस्ट में 4 किलोमीटर चला गया है। ठीक है, वेस्ट में 4 किलोमीटर आपके राजू वॉक 4 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज हाउस, देन ही टर्न टूवर्ड साउथ कवरिंग 8, साउथ में चलता है और 8 कवर करता है। सपोज दैट साउथ में गया और 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। फाइनली ही मूव्स 6 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, 6 यहाँ तक उसने चलना है 4 और उसके बाद 2 वो एक्स्ट्रा चलना है 4 एंड 2। 6 को आपने दो पार्ट में कन्वर्ट कर लिया, 4 इज़ इक्वल टू 4, यहाँ के रिस्पेक्ट में जब आप जाएंगे तो ये तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इज़ इक्वल टू 4 और उसके बाद 2 एक्स्ट्रा चला गया ईस्ट एंड देन अगेन 2 किलोमीटर वेस्ट। अगर हम बात करते हैं यहाँ से वापस चलता है 2 किलोमीटर वेस्ट में, तो यहाँ से वापस वेस्ट में आएगा तो एग्जैक्ट अपनी लाइन पे ही वापस आ जाएगा यहीं पे एज एग्जैक्ट फॉर्मेट में। हाउ फार इज फ्रॉम द इनिशिएट पॉइंट, अपने घर से वापस या जो उसका इनिशिएट पॉइंट था वहाँ से और यहाँ तक की दूरी कैलकुलेट करनी है, ये दूरी कितनी है। तो आपको बताएगी ये 4 है, ये 4 है, ये 8 है, तो ये भी बाई डिफॉल्ट कितनी होगी, 8 ही आपके पास होगी। तो क्वेश्चन नंबर अगर बात की जाए 57 में, तो ही इज 8 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, अपने घर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। आसानी के साथ में इन क्वेश्चंस को आप हल कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो आपके पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास अगर आता है तो आप इसको बोलते हैं ये अपने आप में कोडिंग का है और इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी कोडिंग, बाइनरी नंबर्स। अगर मैं बात करूं 101110 की वैल्यू होती है 45 बाइनरी नंबर्स में, अगर बात करें तो ऐसा ही 110010 का आपके पास बाइनरी नंबर जब कैलकुलेट किया जाएगा तो 50 आता है। तो आपको यहां पर बाइनरी नंबर कैलकुलेट करके लिखना है कि कितने का ये बाइनरी है। तो आप इसको लिख सकते हैं 1, 2, 4, 0, 8 एंड 16। इन सब का अगर आप ऐड करते हैं तो वैल्यू आपके पास में जो भी आएगी वो क्वेश्चन का आंसर आपके पास है। जैसे आपने कहा 24, 28 और आपके पास आया क्वेश्चन के अगर 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 1, 4, 2, 0, 16 और 32, इन सब का जब आप टोटल करेंगे तो जो भी वैल्यू आपके पास आएगी वही आपके क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर अगर हम लोग इनको देखते हैं तो अपने पास आता 55, इन सब का टोटल जब हम लोग देखेंगे तो आएगा 55। तो क्वेश्चन का आंसर आपके पास निकल के जो आएगा वो 55 आपके पास क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगर बात की जाए आपके रिस्पेक्ट में नेक्स्ट 59, ये एक सेंटेंस कोडिंग आपको दिख रहा है। सेंटेंस कोडिंग में मैंने कहा था कंपैरिजन करके आपको निकालना होता है और मेड को कैसे लिखेंगे, तो आपको ये देखना है कि मेड है किस लाइन में। मेड यहाँ पर अवेलेबल है, आपके पास जो वर्ड अवेलेबल है वो है होम और एक है आपके पास फूड। होम यहाँ से कैंसिल आउट होगा और फूड यहाँ से कैंसिल आउट आप कर सकते हैं। अब आप देखिए क्या क्या बचा हुआ है, तो यहाँ से आप देखते हैं तो आपके पास में वैल्यू जो बची है होम यहाँ पर भी है, इन दोनों में क्या कॉमन था, का आपके पास है ना जा और टा, तो जा आपके पास कैंसिल आउट होता है यहाँ के रिस्पेक्ट में। आप कह सकते हैं होम का कोड जो था वो तो जा था, और फूड के रिस्पेक्ट में आप बोल सकते हैं कि डा जो आपके पास है वो कैंसिल आउट होता है। तो आपके पास बचा अकेला मेड एंड इज कोडेड बाई एस ए। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 59 के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास जो क्वेश्चन का आंसर आपके पास आना था वो आएगा ए, एस ए आपके पास क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लीजिए, क्वेश्चन जो आपके पास कह रहा है क्या, जो सर्कल है वो प्लेयर्स है, ये आपके पास प्लेयर्स है, उसके बाद स्क्वायर जो आपके पास अवेलेबल है वो अनमैरिड है, ये अनमैरिड है, उसके बाद में कहता है ट्राइंगल जो है वो फीमेल है, ट्राइंगल आपके पास है ये फीमेल को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद में अगर बात की जाए तो आपके पास आता है आयत, ये एडुकेटेड को, ये एडुकेटेड को शो करता है।
अब ये बात कह रहा है कि प्रत्येक खंड की संख्या अंकित है और उसको अध्ययन करके बताना है कि 11 द्वारा क्या है। 11 आप देखते हैं तो यहाँ पर अवेलेबल है, 11 आप देखते हैं तो यहाँ पर अवेलेबल है, तो 11 सभी में अवेलेबल है। सर्कल में भी है, ट्राइंगल में भी है, स्क्वायर में भी है और रेक्टेंगल में भी है। मतलब चारों वेरिएबल जो हैं वो इंडिकेट ये करेगा। तो जिस भी पर्टिकुलर में चारों वेरिएबल हैं हम उसी पर्टिकुलर वेरिएबल को आंसर में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो चारों वेरिएबल जो अपने पास अवेलेबल हैं वो कहाँ पर हैं, अनमेरिड भी है, लिटरेट भी है, एडुकेटेड भी है, फीमेल भी है और प्लेयर भी है। तो हम इसी के लिए जाएंगे कि चारों हमारे वेरिएबल्स जिसमें होंगे वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो आपके पास है वो डी आंसर आपके पास आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करते हैं तो क्यूब का एक क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है और क्यूब में आपको कहता है कौन सा बन सकता है कौन सा नहीं बन सकता। तो हमें पहले से ही पता है कि ऑल्टरनेट हमेशा अपोजिट होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये हमें पता है, ठीक है। और फाइनली अगर बात की जाए तो ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये भी आपको कन्फर्म है कि कभी भी कोई भी अपोजिट सरफेस एक साथ शो नहीं होती। तो जब अपोजिट सरफेस एक साथ शो हो नहीं सकती तो यहाँ पर हम लोग देखें बाय द ऑप्शन, ऑप्शन को लेकर के चलें कि दोनों जो आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर के लिए, यहाँ पर हमें जस्टिफाई नहीं हो रहा क्योंकि देखो एक जो आपके पास स्क्वायर अवेलेबल है उसके कहीं ना कहीं कोई दो आपके पास स्टार जो है वो अपोजिट में है, तो एक तो गारंटेड इसका अपोजिट होगा ही होगा, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं बन सकता। सेम केस ये भी है कि ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ कि हमारे पास जो स्क्वायर अवेलेबल है उनमें से कहीं ना कहीं एक का अपोजिट तो स्क्वायर आपके पास ट्राइंगल जो है स्टार बनना ही बनना है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के अपोजिट हैं पहले से हमें पता है, तो हमारे पास केवल बचता ही एक ऑप्शन है जिसको हम आंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये हमारे क्वेश्चन का एक पॉसिबल आंसर है कि ये बन सकता है। तो यहाँ पर केवल हमारे पास एक ही वैल्यू अवेलेबल है जो क्वेश्चन का आंसर दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आप जाएं, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर। ट्राइंगल्स की अगर बात की जाए तो आपको वर्बली कन्फर्म है कि अगर एक वैल्यू कुछ इस तरीके से लिख दी जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्राइंगल बनने वाले होते हैं 8, 1, 2, 3, 4, 4 × 8 या गिन सकते हैं, 4 तो आपके पास अवेलेबल है, 5, 6, 7 और ये 8। 8 ट्राइंगल जब यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको देखें, 8 आपके पास पहले से इसमें है और 8 आपके पास इसमें पहले से है, 16 आपने पहले से ही गिन लिए हैं, ठीक है। तो आप ऑप्शन को कैसे अवॉइड करते हैं उसकी बात बता रहा हूँ कि आपको 16 तो पहले से ही है, अब उससे ज़्यादा भी बनेंगे। 16 के बाद में अगर आप देखेंगे तो एक 17 बन जाएगा और उसके बाद ये 18 बन जाएगा। तो आपके पास 18 तो केवल नीचे वाले सेक्शन से अवेलेबल हैं, तो 18 आपके पास पहले से ही अवेलेबल हैं, पहली बात। उसके बाद अगर आप देखें तो एक आपके पास अवेलेबल है यहाँ से 19, एक आपके पास अवेलेबल है ये 20 और एक आपके पास अवेलेबल है यहाँ से 21। तो ये अगर आप ट्राइंगल्स देखते हैं तो 21 आपके पास है, ऑप्शन 16 आपका कैंसिल आउट, 19 आपका कैंसिल आउट, 21 पे हम लोग स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन क्या उसके बाद कोई ट्राइंगल है? बिल्कुल बनेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास ट्राइंगल्स और भी बन जाने चाहिए। और कैसे क्या बनेंगे? तो उसके बिहार पर अगर आप देखें, ये ट्राइंगल भी तो एक बनने वाला आपके पास अवेलेबल है, ये ट्राइंगल भी बना आपके पास, ठीक है। तो ट्राइंगल्स आपके पास बन के आए तो 21 से ज़्यादा आपके पास ट्राइंगल अवेलेबल है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल जो आपके पास अवेलेबल है वो यहाँ पर आपके पास आंसर है 23 ट्राइंगल्स आर देयर। 23 ट्राइंगल बनने वाले हैं इस पर्टिकुलर में, 23 ट्राइंगल आपके पास बन जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज का, जैसा कि कहा ही जाता है कि सीरीज आपके पास अच्छे क्वेश्चन लेके आती है और मिनिमम 6 to 8 क्वेश्चंस आपके पास होते हैं, यहाँ पर भी सीरीज अवेलेबल है। दिखाया गया मल्टीप्लाई बाय 3, उसके बाद अगर देखें तो प्लस का 4 किया गया, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 5, प्लस का 6 किया गया, मल्टीप्लाई बाय 7, अब हम लोग प्लस का 8 करेंगे और प्लस का 8 करते हैं अपने पास में आएगा 1135। 1135 आपके पास ए ऑप्शन में है एंड दैट इज योर आंसर। कितने जल्दी से आप स्ट्राइक करते हो क्वेश्चन पे, कितने जल्दी से आप देखते हो, वही एक काम आपके पास है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको दिख रहा है 5, 13, 29, बिल्कुल क्लियर लग रहा है। मल्टीप्लाई बाय 2 + 3, दुगुना करके 3 जोड़ा जा रहा है, दुगुना करके 3 जोड़ा जा रहा है, 5 का दुगुना 10 और 3 ऐड करके 13 आपके पास है। 13 का डबल जब आप करेंगे 26, प्लस का 3 करेंगे सेम एस, यहाँ से डबल करके प्लस का 3 करिए, 253 क्वेश्चन का आंसर आपका निकल करके आता है। तो 253 क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई बाई 5 हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 5, 1 × 5 × 5 × 5 = 125, 25 × 5 × 125 = 625, ये तो हो ही नहीं सकते,
ये इसका 5 गुना 3125 ये भी गलत, आपके पास क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आया, डी आपके पास क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है। अब अगर हम क्वेश्चन के लिए जाएं तो अपने पास जो वैल्यूज है वो क्वेश्चन पढ़ने से पता लगता है कि रैंकिंग बेस से क्वेश्चन आपके पास है। चार जने आपके पास बैठे ए बी सी डी, परिणामों में कहता है क्या इन बी वाज इमीडिएट फॉलोड बाय ए, कहता है बी ए के तत्काल पीछे था, तो आप चार शीट लगा लें 1, 2, 3 और 4, बी ए के तत्काल पीछे था, मान लेते हैं ए ये है तो इसके तत्काल पीछे बी आएगा, ठीक है, किंतु ए के बाद कोई नहीं था, परिणामों बी के तत्काल पीछे, सॉरी उल्टा लिखा मैंने, बी के तत्काल पीछे ए है और उसके पीछे कोई नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ए अवेलेबल है और यहाँ पर बी अवेलेबल है, ठीक है। फिर कहता है सी बी से आगे था किंतु उतने अंक नहीं प्राप्त करता कर सका जितना आपके पास में डी था, तो यहाँ पर सी और ये डी वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। क्वेश्चन पे कहते हैं इन रिजल्ट्स बी वाज इमीडिएट फॉलोड बाय ए, बी वाज इमीडिएट फॉलोड बाय ए बट नो वन वाज देयर आफ्टर ए, ए के बाद कोई है ही नहीं, सी वाज अहेड ऑफ बी, सी वाज अहेड ऑफ बी एंड बट कुड नॉट स्कोर एज मच एज डी, तो डी आपके पास में फर्स्ट हो गया। हु स्कोर्ड द सेकेंड हाईएस्ट, सी स्कोर्ड द सेकेंड हाईएस्ट, माइंड इट, वापस बोल रहा हूँ यहाँ पर आने के बाद, जैसे आपके पास क्वेश्चन का आंसर सी आया, जरूरी नहीं कि ऑप्शन सी में सी हो, सी किस ऑप्शन में ये देखना है, और लकीली आपके पास यहाँ पर ऑप्शन सी में ही सी अवेलेबल है। कई बार बच्चा यहाँ पर जल्दीबाजी में क्या करता है कि ऑप्शन सी को टिक कर देता है, जबकि सी हो सकता है ऑप्शन बी या ऑप्शन ए आया, ऑप्शन डी में भी हो, तो थोड़ा सा माइंड वहाँ पर आपको रखना है। आगे आप बढ़े तो आगे आपके पास में सीरीज के बिहार पर ही क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है, और सीरीज में आपको यहाँ पर लेटर सीरीज अवेलेबल है, जैसा कि मैंने कहा भी था सीरीज आपको 6 से 8 क्वेश्चन देती है। यहाँ से आप देखिए, देखिए वर्ड का मीनिंग अलग कंसेप्ट है, यहाँ पर लेटर को लेटर दे देखना है, बी डब्ल्यू के बाद में एक्स आया और उसके बाद में जेड आया, 23 है, 24 है, यहाँ पर 25 को मैं रख के 26 पे जाऊँगा, तो वाई से क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होगा, यस पहला एक वाई, ओ पी तो मैं लिखूंगा क्यू, ओ पी क्यू और आई आर, आर एस तो मैं लिखूंगा टी। अब मेरे पास क्वेश्चन के 3 लेटर आ गए तो मैं लिखता हूँ वाई क्यू टी, वाई क्यू टी यहाँ पर है, वाई टी क्यू यहाँ पर है, ये ऑप्शन आएगा नहीं, वाई क्यू टी है, आर बी ए नहीं, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर बाई डिफॉल्ट क्या निकल के आ जाना है, तो ए मेरे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाना। तो एस एस सी में ऑप्शन बड़ी हेल्प करते हैं, ध्यान रखना, तो ज़्यादा आपको पूरा निकालना नहीं है, थोड़ा सा देखो उसके बाद ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन कैंसिलेशन अगर एक बचता है तो आपके पास क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाता है। अगर हम लोग चले नेक्स्ट में, वो भी एक सीरीज का ही क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो पहला एक है 2, उसके बाद में 16, उसके बाद में ध्यान से देखें तो आपके पास 23 है, डिफरेंस यहाँ पर 7 का है, अगर मैं यहाँ से 7 का डिफरेंस बनाता हूँ तो मेरे पास में 9 आता है, और 9 से 16 में जाता हूँ तो भी 7 का डिफरेंस अवेलेबल है। क्वेश्चन क्लियर, 2 + 7 = 9, 9 + 7 = 16, 16 + 7 = 23 आपके पास है, तो मतलब यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आई से स्टार्ट होने वाला है, तो आई मेरे पास अवेलेबल है, तो पहला एक है आई, उसके बाद मैं देखता हूँ तो आर टू वाई बी प्लस का 7 है, दैट मीन्स बी 2 + 7 करेंगे तो मेरे पास में आएगा के, और मैं अगर इन दोनों आइडियाज़ को लेके ही चल पड़ूँ तो क्वेश्चन का आंसर मेरा है आई के, आई के ये रहा, और यहाँ भी नहीं और आई जे यहाँ पर भी है, तो क्वेश्चन 68 का जो आंसर आपके पास में आना है वो क्वेश्चन का सी आंसर आपके पास है। कितने जल्दी से आप इनको एक्यूरेसी के साथ में हल कर सकते हैं ये आपको देखना होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ये भी एक सीरीज़ का एग्जांपल है जिसको मैं स्मॉल लेटर बेस्ड सीरीज वाली कैटेगरी में कैटेगराइज करता हूँ। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पेयर बना के हैं, पहले काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, तो 16 अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप 4-4 के पेयर बना लीजिए, आपको अपने आप ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ए डबल बी, ए डबल बी ए आपके पास अवेलेबल, तो पहला एक लेटर आएगा बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा ए, फिर बी और ए आपके पास वैल्यू है, तो बी ए ए डबल बी है नहीं होगा, बी ए ए बी ए आंसर सी, बी ए डबल बी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर अगर आप बात करें 69 का तो आपके पास क्वेश्चन का आंसर आता है सी। कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझें उतना ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन पे कमांड भी करें। यहाँ पर एक सीरीज आपको फिर से दी गई है, वो चीज़ है रॉन्ग नंबर इन सीरीज, सीरीज जैसा कि हम करते हैं जनरली हमें पूछा था आगे क्या आएगा, लेकिन कई बार रॉन्ग को अटेम्प्ट करने के लिए भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो यहाँ पर आपको रॉन्ग देखना है, रॉन्ग में भी आप ऑप्शन को थोड़ा दिमाग में लगाएं, या यहाँ पर अगर थोड़ा देखा जाए तो टिपिकल एक है क्वेश्चन ऐसा
लेकिन क्वेश्चन में क्या था वो समझाता हूँ। यहाँ से अगर आप देखें 2, 2, 3 तो यहाँ पर अवेलेबल है 2 × 1 + 1 = 3। नाउ द 3 × 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 10। 10 × 3 + 9 दैट इज इक्वल टू 39। एंड 39 × 4 + 16 दैट इज इक्वल टू 172। आप ध्यान से देखें यहाँ पर क्या किया गया है, जो स्टार्टिंग नंबर था उसको कॉन्जिक्यूटिवली मल्टीप्लाई किया जा रहा है, साथ में उसमें स्क्वायर नंबर ऐड किए जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें जो आंसर आना था वो 39 था, 38 की जगह 39 होता तो ये सीरीज प्रॉपर थी। तो हमारा जो अलग एक आंसर है वो 38 यहाँ पर अलग है बाकी सबके रिस्पेक्ट में। तो क्वेश्चन का जो बेसिक लॉजिक था वो ये था, क्या किया गया था मल्टीप्लाई बाई 1, 2, 3, 4 और उनमें स्क्वायर नंबर ऐड किया गया था। आगे अगर बात करें जाए तो क्वेश्चन को देखते पता चलता है कि क्वेश्चन एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एनालॉजी में जो दिया गया है उसको पहले देखना है। तो यहाँ पर हमें कहा गया स्पिग्नोमीटर जो है वो ब्लड प्रेशर मेजर करता है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो नाड़ी मापी स्पिग्नोमीटर आपने देखा होगा, वो हैंड के रैप करके और उसके बाद में प्रेशर से नापते हैं, तो आपको देखना है। तो स्पिग्नोमीटर किसको मेजर करता है, तो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। ग्लूकोमीटर अगर आपने काम में लिया है, कभी काम में आता है आजकल तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का पार्ट है, शुगर को मेजरमेंट करने में काम आता है, तो ब्लड शुगर रक्त शर्करा, ठीक है। देखिए भूकंप को अगर बात करेंगे तो आप निकालते हैं सिस्मोग्राफ, उसके भी यहाँ पर और ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये प्रेशर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन का आंसर ग्लूकोमीटर, जैसे कि नाम से ये ग्लूकोज मतलब शर्करा शुगर, तो शुगर को मापने के काम आता है ग्लूकोमीटर। ऐसे ही जो आपके पास दिया हुआ है इसको देखें, जर्मनी मार्क, मार्क करेंसी का नाम है वहाँ पर, ठीक है। तो जर्मनी में करेंसी है मार्क, तो मोरक्को में करेंसी है मोरक्को दरहम या मोरक्को दिरहम जो है उस क्वेश्चन का आंसर। तो किस देश में कौन सी करेंसी चल रही है उसको वहाँ पर बेस लेकर के क्वेश्चन का बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है ये एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन ही है और आपको देखना था जैसा रिलेशन दिया जाए वैसा ही बनाना है। डी टू एफ प्लस का 2 है, तो मैं अगर प्लस का 2 करूंगा एम में तो मेरे पास आएगा ओ, एफ टू एच प्लस का 2 है तो ओ में अगर मैं प्लस का 2 करूंगा तो क्यू आएगा। ये भी नहीं है, ऑनली एक ही आपके पास अवेलेबल है, तो आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं कौन सा आएगा, सी आंसर, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में तो आपके पास है ध्यान से जिम्मेदारी से, सिनोनिम्स बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं केयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक तरह से सिनोनिम्स वर्ड है लेकिन पढ़ना कैसे है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके पास है तो आप केयर करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। ऐसे अगर आप सिली है तो आपको क्या क्या हो जाएगा, आप फैटियस हो जाएंगे। मतलब बात यह है कि अगर आप जिम्मेदारी से काम करेंगे तो ध्यान आपको रखना है, जिम्मेदारी और ध्यान एक दूसरे के समानार्थी या एनालोगस वर्ड हैं। तो अगर आप बात करें मूर्खतापूर्ण तो यहाँ पर आएगा बुद्धिहीन की बात करेंगे, मूर्खतापूर्ण जो काम है वो बुद्धिहीनता के जैसा होता है। अगर यहाँ पर देखें तो आपके पास अवेलेबल है 3 और यहाँ पर वैल्यू आपके पास अवेलेबल है 27, क्योंकि यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है 27, तो क्या यहाँ से इसको रिलेट करते हैं तो आपके पास मतलब क्यूब नंबर, और 27 का जब आप क्यूब करेंगे तो गारंटेड आपके पास वैल्यू आएगी 19683। तो यहाँ पर क्यूब नंबर आपको करना था तो 27 का क्यूब आपके पास में डी आएगा। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है बड़ा टिपिकलस्ट टाइप का दिख रहा है, और मैंने क्लासेस के दौरान भी बताया होता है कि ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है ध्यान से देखिए, ऐसे अगर इस पर्टिकुलर नंबर को इससे मैं रिलेट करने जाऊँ तो बहुत बड़ा सा वैल्यू है और प्लस माइनस करके भी मैं जाऊँगा तो इतनी बड़ी मैं आंसर्स नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर क्या मैं एक लॉजिक रखूँ, तो ध्यान से देखो इन सब का टोटल देखा गया तो 30 है, और इन सब का टोटल भी आप देखोगे तो भी 30 है। द सम ऑफ डिजिट्स दोनों की बराबर है, और सम ऑफ डिजिट्स अगर बराबर है तो आप इस क्वेश्चन में देखें किस पर्टिकुलर का सम ऑफ डिजिट बराबर है, तो 3 + 4 = 7, 7 + 11 = 18, 20 आपके पास है, ये 20 से ज़्यादा है तो ये वाला पार्ट तो काम करेगा ही नहीं, 1, 2, 3 = 6 है तो ये ज़्यादा हो गया। यहाँ पर अगर हम चलें तो 27 + 3 = 30 और ये भी 30, यस ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अंकों का योग की अगर बात करें तो यहाँ पर वो एप्लीकेबल था, तो जितना पहले पार्ट का है उतना ही दूसरे पार्ट का, उतना ही तीसरे का, उतने का चौथे का, कोइंसिडेंटली तीसरे चौथे का बराबर निकला, बाकी तो 30-30 इसका है तो इनका 20-20 भी हो सकता था लेकिन किसी और ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा इसलिए इस पर्टिकुलर को हम लोग लिख रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के गया डी आंसर है।
अब अगर हम लोग चले नेक्स्ट के लिए तो विषम को छांटिए, विषम को छांटने के नाम पे जाएं तो खाद अमोनिया यूरिया, यूरिया अमोनिया खाद ये एक ही वैरायटी है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो नाइट्रोजन जो मेरे पास में आया ये आपके पास में अलग एक है, गैस भी कह सकते हैं अलग एक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो अपने पास है कौन सा अलग एक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जनरली हम लोग देखते हैं गैप के भी यहाँ पर अलग एक होता है, CP13 का गैप, BO13, BO DQ, ESGT, AN और HU सब में 13 का गैप आपके पास पहले से अवेलेबल है। यहाँ पर अगर आपको अलग करना है तो कोई और लॉजिक सोचना पड़ेगा, ठीक है। लॉजिक और क्या आपके पास दिमाग में हो सकता है, तो नंबर ऑफ वोवेल्स भी होता है, एक वोवेल है और एक वोवेल है, यहाँ पर दो वोवेल है, मैं कर सकता हूँ इसको, ठीक है, डिफरेंट वन अलग एक कौन सा है, तो मैं इसको समूह से बाहर निकालूंगा, तो क्वेश्चन का आंसर आपका 78 में सी रहता है। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं नंबर क्लासिफिकेशन ही है, तो 58 को रिवर्स में लिखा गया, 29 को रिवर्स में लिखा गया, 96 को रिवर्स में लिखा गया, 43 को रिवर्स में नहीं लिखा गया, तो आपके पास क्वेश्चन का आंसर डी निकल गया था। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज 80। क्वेश्चन को देखने पर जनरली फाइंड मिसिंग वन का एक क्वेश्चन है, देखने पर लगता है 9 × 7 इज इक्वल टू 63, ठीक है, लेकिन 15 × 10 करने पर 30 आपके पास नहीं आ रहा और ना ही इसको मल्टीप्लाई करने पर 18 आपके पास आ रहा, तो ये लॉजिक जो आपके था ये काम नहीं कर पा रहा है, कुछ और एक लॉजिक देखा जाए तो क्या हो सकता है। दोनों को ऐड करने पर देखा गया तो आपके पास 16 है, 64 नहीं बनेगा, यहाँ 25 है तो 5 भी नहीं बनेगा, और क्या बन सकता है। तो कंसेप्ट आपने पढ़ा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM बोलते हैं, इन दोनों नंबर्स का LCM 63 है, इन दोनों नंबर्स का LCM 30 आता है, और इन दोनों नंबर का LCM 6 आएगा, इन दोनों नंबर का LCM जो आपके जो आएगा वो आएगा 24, तो आपके पास क्वेश्चन का आंसर 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास अवेलेबल है, कहा गया कि द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ प्रिया एंड हर सन इज 5:2, 5 और उसके अनुपात में 2 जो है उनका एज रिलेशन का रेशियो है, ये आज की डेट का है, कब का है कि वर्तमान आयु का अनुपात, अभी का अनुपात जो है 5:2 है, कहता है क्या आफ्टर 7 ईयर इट बिकम 2:1, 7 साल के बाद में ये 2:1 हो जाएगा, आफ्टर 7 ईयर 7 साल के बाद में ये 2:1 हो जाएगा। उसके बाद कहता है पुत्र के जन्म के समय में प्रिया की आयु क्या थी, तो जब पुत्र पैदा हुआ था तो क्या आयु थी, सिंपल सा कंसेप्ट है, कभी भी अगर आयु का क्वेश्चन आता है तो कुछ इस तरीके से देखेगा, इसको मल्टीप्लाई करा गया, इसको मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 = 4 और 5 × 1 = 5, ये आपके पास 4x और 5x का डिफरेंस आपके पास आ जाएगा और वो आपके पास आएगा 1x एंड 1x इज इक्वल टू 7, एक की वैल्यू जो है वो 7 के बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि अभी अगर प्रिया की आयु देखी जाए तो 35 और उसके पुत्र की आयु थी 14 ईयर आज की डेट में, तो 35 और 14 उसकी पुत्र की आयु का अनुपात है आज की डेट में, 7 साल बाद वेरीफाई कर ले, 7 साल बाद ये 42 की बनेगी और ये बन जाएगा आपके पास 21, 2:1 का रेशियो भी मेंटेन हो गया और 5:2 का रेशियो भी मेंटेन हो गया। अब देखो क्वेश्चन में जल्दीबाजी करते हैं हम लोग, क्वेश्चन में क्या था, हमने आंसर निकाल लिया 35 और 14, उसने क्या पूछा वो ध्यान से देखना, पुत्र के जन्म के समय प्रिया की आयु कितनी थी, तो पुत्र का जन्म कितने साल पहले हुआ था, 14 साल पहले, और 14 साल पहले वो 35 में से 14 अगर आप लेस करेंगे तो ये आपके पास एक वैल्यू आएगी और वो वैल्यू आपके पास क्वेश्चन का आंसर आएगी 21। तो थोड़ा जल्दी ना करें क्वेश्चन को, पढ़ें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन का आंसर दें तो प्रॉपर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो आपके पास वेन डायग्राम बेस एक क्वेश्चन है और वेन डायग्राम बेस क्वेश्चन में जो भी वैल्यू आपके पास देगी उसको प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। प्रेजेंट में कहता है कि आपको जो है वो आई डॉक्टर्स, पॉपुलर आई डॉक्टर्स एंड अनपॉपुलर डॉक्टर्स, माइंड इट, पहले आपको देखना आई डॉक्टर्स और उसमें से पॉपुलर, तो पहले आई डॉक्टर बड़े उनमें से कुछ आई डॉक्टर पॉपुलर आई डॉक्टर्स होंगे, और फिर कहता है अनपॉपुलर डॉक्टर अगर बात की जाए तो चूंकि पॉपुलर तो अंदर है और आई डॉक्टर पॉपुलर आई डॉक्टर आपके पास अवेलेबल है, अनपॉपुलर डॉक्टर अगर आप देखा जाए तो यहाँ से तो पॉपुलर से तो अलग ही होंगे और यहाँ से कुछ ऐसा बनाएंगे और क्वेश्चन का आंसर मैं जो दूंगा वो आपके पास आएगा बी करके, क्वेश्चन का आंसर आपके पास में रहने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको देखना है कि इन पर्टिकुलर में से कौन सी इक्वेशन परफेक्ट है, तो मैंने एक आइडियोलॉजी आपको दिया हुआ है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, अगर आप सारी इक्वेशन देखेंगे तो आपको समय लगेगा, पहले चूज करेंगे किसको देखना है, तो मैं हमेशा पीछे दौड़ता हूँ किसके, डिवाइड के, डिवाइड कहाँ पर अवेलेबल है, तो मैंने यहाँ पर कहा एट द रेट का मतलब है मल्टीप्लाई करना,
स्टार का मतलब है प्लस और हैश का मतलब है माइनस, ऐसे परसेंटेज का मतलब है डिवाइड। तो मैं पहले परसेंटेज वाले साइन के पीछे दौड़ूंगा, परसेंटेज वाला साइन देखो डिवाइड यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी डिवाइड लिखना पड़ेगा। आप ध्यान से खुद ही देखिए, अगर 16 में मैं 5 का डिवाइड करूँगा प्रॉपर आएगा, 256 में 16 से डिवाइड करूँगा प्रॉपर बनेगा, ठीक है ये मेरे काम का ऑप्शन है, ये मेरे काम का ऑप्शन नहीं है। 5 में अगर 16 का डिवाइड करूँगा तो ऑप्शन काम का बनेगा ही नहीं, और 5 में अगर 28 से डिवाइड करूँगा तो भी नहीं बनेगा, 16 में 5 का करूँगा तो भी नहीं बनेगा। तो एक बार के लिए एट ए ग्लांस मैं पहले ऑप्शन को ही ध्यान से देखूंगा और उसी को सॉल्व करने के लिए जाऊंगा भी, तो पहला ऑप्शन मेरा एक प्रॉपर एक आंसर होने की संभावना है अवेलेबल। तो यहाँ से मैंने करा डिवाइड, उसके बाद में एट द रेट का मतलब जो आपके पास में था वो तो मल्टीप्लाई, और हैश का जो आपके पास अवेलेबल है वो है माइनस करना, ठीक है। तो 256 डिवाइड बाई 16, तो आपके पास वैल्यू आएगी 16 मल्टीप्लाई बाई द 5, तो वैल्यू आपके पास में आएगी 80 और उसमें से आपको 28 लेस करना है तो आंसर आपके पास 52। यस, बैलेंस इक्वेशन है, आपके पास क्वेश्चन का आंसर भी अवेलेबल था। तो क्वेश्चन नंबर 83 क्या आंसर निकल के आया, तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 में ए आंसर आपके पास अवेलेबल है। तो कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, कैसे आप देख पा रहे हैं क्या आपके पास आंसर था, ये एक स्ट्रेटजी मैंने आपको समझा देनी है। इसके बाद में आप चले बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर आपके पास अवेलेबल है 84 में क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। क्वेश्चन में कहा गया ए इज अ फादर ऑफ बी, ए इज अ फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है, आप इस चीज को लिख लेते हैं, ए इज अ फादर ऑफ बी, ये आपने लिखा, ठीक है। एंड सी इज अ डॉटर ऑफ बी, सी इज अ डॉटर ऑफ बी, सी इज अ डॉटर ऑफ बी, डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी इज अ ब्रदर ऑफ बी, ई इज अ सन ऑफ ए, ई इज अ सन ऑफ ए, व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन सी एंड ए, सी टू ई, सी एंड ई, दिस इज द सी एंड दिस इज द ई। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपके पास जो निकल के आता है वो अंकल एंड नीस, एक ही आपके पास में है, भतीजी और चाचा, एक ही निकल के आता है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं एक्चुअली, ठीक है, और कोई ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो भतीजी और चाचा, दैट इज नीस एंड अंकल इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 की अगर बात करी जाए तो आपके पास में सी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन को आप देखते हैं तो आपके पास एक क्वेश्चन अवेलेबल है कोडिंग डिकोडिंग के रेस्पेक्ट में, रामायण को जो है कोड में लिखा गया कुछ ऐसे, तो महाभारत का कोड आपसे पूछा गया है। तो देखो रामायण तो वैसे ही खतरनाक और महाभारत करनी है आपको, चले चल चेक करते हैं। आर टू पी माइनस का 2 है, बिल्कुल सही। ए टू वाई माइनस का 2 फिर से अवेलेबल है, और एम टू के, यस। तो आपको यहाँ पर डिकोड करना आया, माइनस का 2 कंसेप्ट काम कर रहा है, माइनस का 2 अगर कंसेप्ट काम कर रहा है तो सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू में से दो दो लेस कर दे। एम अगर में से मैं 2 लेस करूँगा तो के आएगा, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें के से क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट है। बताइए कितना आसान था, मुझे पूरे क्वेश्चन को देखना ही नहीं है, इसीलिए कई बार बोलता हूँ कि 50 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं 25 से 30 मिनट के लिए, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आपका 85 जो क्वेश्चन था उसका आंसर डी निकल के आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा गया, फिर से कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए 2, 4, 6, 8 को 2 और ये 3 प्लस का 1 किया गया, 4, 3 माइनस का 1 किया गया, 6, 7 प्लस का 1, 8, 7 माइनस का 1 किया गया है, प्लस का 1 और माइनस का 1 किया गया है। तो मैं भी यही करूँगा, पहले प्लस का 1 करूँगा तो 4, फिर माइनस का 1 करूँगा तो भी 4, डबल 4 आएगा मेरे पास। और उसके बाद माइनस का करना है, मैं प्लस किया माइनस किया, प्लस करूँगा तो 8 आएगा, माइनस करूँगा तो भी 8 आएगा, और फिर से प्लस करूँगा तो 2 आएगा, डबल 4, 8, 2। दिस इज माई आंसर, डी आपके पास क्वेश्चन का आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 86 में भी। तो कैसे आप क्वेश्चन को करते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना बढ़िया है आपका, ये सब चीज़ें चेक करने के लिए चला है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, यहाँ पर हमें देखना है कि इन पर्टिकुलर्स को मिलाकर के क्या बन जाएगा, टुकड़ों से मिलाकर कौन सी आकृति बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो ऐसी कोई आकृति बनने से नहीं, यहाँ पर अगर बात करते हैं ये भी नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा, तो केवल एक ही आपके पास अवेलेबिलिटी है, दैट इज बी। 87 में अगर आप देखेंगे तो बी आपके पास क्वेश्चन का आंसर आएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो फिर से अरेंजमेंट ऑफ वर्ड आपके पास है, इसको मैं सीरीज बोलता हूँ, वर्ड सीरीज, और वर्ड में देखें तो क्या आएगा आपके पास, वैल्यूज है लाइन, रोम्बस, ऑक्टागन, ट्राइंगल, हेक्सागन, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो रेखा, सम चतुर्भुज, त्रिभुज, अष्टभुज और षटभुज। तो रेखा पहले आएगी, उसके बाद त्रिभुज 1, 4 और उसके बाद आएगा
समचतुर्भुज, एक चार दो कहीं पर लिखा है क्या? एक चार यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक चार दो, उसके बाद में आएगा फिर आपके पास में पाँच षटभुज, और उसके बाद में आएगा आपके पास अष्टभुज। तो आपके पास आंसर है क्वेश्चन का सी, क्वेश्चन नंबर 88 सी आपके पास क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट में आप जाएंगे तो आप मिशन के लिखता है और आपको लिखा गया है मिरर इमेज बनाने के लिए। मिरर इमेज में लेफ्ट राइट चेंज होता है, ध्यान रखना। तो पहला आपके पास जो लेटर आएगा यहाँ पर, अगर आप जाएंगे तो लेटर आपके पास आएगा एन, उसके बाद आएगा ओ एज इट इज़, एन ओ, देखो एम आया गलत है, ठीक है, उसके बाद में आई, उसके बाद एस, उसके बाद आई, और आपके पास ये एम एज इट इज़ फॉर्मेट में अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एस पूरा सही से लिखा हुआ गलत है, यहाँ पर अगर आप देखें तो एस पूरा लिखा हुआ है, तो आपके पास केवल एक ही आंसर बन के आता है, दैट इज़ सी, क्वेश्चन नंबर 89 आंसर इज सी। मिरर इमेज, वाटर इमेज, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, वर्बली आप इनको कर भी सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास अवेलेबल है दैट इज़ कथन और धारणा, स्टेटमेंट अजम्पशन का एक क्वेश्चन आपके पास है, और स्टेटमेंट अजम्पशन भी ये होता है कि कोई भी काम करने से पहले या कहने से पहले जो माइंड में चल रही थॉट है उसके बारे में विचार करना, ठीक है। तो यहाँ पर एक अजम्पशन आपके पास अवेलेबल है और एक थॉट आपके पास, एक स्टेटमेंट अवेलेबल है। कहता है परीक्षा के दौरान अन्वेषक ने कहा कि यदि किसी ने नकल करने की कोशिश की तो मैं उसकी परीक्षा रद्द कर दूंगा। अगर कोई अन्वेषक या कोई भी इन्विजिलेटर अगर ऐसा बोल रहा है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था, तो उसने क्या सोच के ऐसा कहा? तो पहली धारणा, कुछ छात्र परीक्षा के दौरान नकल करते हैं, छात्र परीक्षा के दौरान नकल नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए ऐसी कोई थॉट तो छुपी हुई नहीं है कि परीक्षा के दौरान नकल नहीं करेंगे, लेकिन पहले के अनुभव में ये बताते हैं कि परीक्षा के दौरान छात्र नकल करते हैं, तो जो अन्वेषक या इन्विजिलेटर जो है वो पहले कह देता है कि कोई नकल करेगा तो मैं उसे बाहर कर दूंगा। तो अजम्पशन ये है कि कुछ विद्यार्थी नकल करते हैं, इस स्टेटमेंट के बाद वो नकल नहीं करेंगे ऐसी उम्मीद है। लेकिन यहाँ पर देखो कंक्लूजन, अगर कंक्लूजन निकालना होता तो मैं सेकंड के लिए चलता, लेकिन यहाँ पर अजम्पशन की बात पूछी गई है तो अजम्पशन के लिए मैं केवल इतना ही कहूँगा कि कुछ छात्र परीक्षा के दौरान नकल करते हैं, और केवल और केवल पहली धारणा जो है इसमें इन्वॉल्व है, दूसरी धारणा इन्वॉल्व नहीं है। तो क्वेश्चन का आंसर जो मैं लिखने वाला हूँ वो आएगा बी ऑप्शन क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चले, क्वेश्चन नंबर 91 आपके पास अवेलेबल है। अगर 91 की बात करें तो क्वेश्चन जो आपके पास अवेलेबल है क्यूब का है और वर्बली कर सकते हैं। कहता है कि दो आपके पास में है और दिल की शक्ल में सबसे ऊपर कौन सी होगी? अगर नीचे होगा दिल, अगर नीचे होगा तो ऊपर क्या होगा? देखिए जब भी समान चिन्ह समान सतह पर आता है तो समान सतह वाले अपोजिट होते हैं, और जब दिल ऊपर होगा तो स्क्वायर नीचे होगा, और स्क्वायर आपके पास में डी ऑप्शन में अवेलेबल है। तो आप डी के लिए चले जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 91 की बात कर लीजिए। अब हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 92 के रिस्पेक्ट में। कहता है कि इस आकृति को जिसमें निहित है चुनिए, यहाँ पर आपके पास नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पर अवेलेबल है, देख भी सकते हैं कैसे अवेलेबल है ये भी, ठीक है। तो आपके पास जो आकृति अवेलेबल है वो किस में थी? सी ऑप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 में चले। क्वेश्चन आपके पास ब्लड रिलेशन का है और हमेशा सॉल्व करना ही पड़ेगा। ए पी, अगर आप यहाँ पर से देखते हैं तो ए और पी, यहाँ पर लिखा गया है वाई ए पुत्री है पी की, ए इज अ डॉटर ऑफ पी, ये आपने बना लिया है। अब आप चलते हैं मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में। मल्टीप्लाई का मतलब है पति है, पी जो है वो हस्बैंड है किसका? टी का, ये आपने बना लिया। फिर से आपके पास है प्लस, प्लस का मतलब आपके पास है बहन, टी जो है वो बहन है एफ की, और एफ ग्रेटर है, ग्रेटर मतलब है पुत्र है, एफ इज अ सन ऑफ एल, मल्टीप्लाई का मतलब है पति है किसका? एम का, ये आपके पास एक रिलेशन, तो एम इज अ वाइफ। अब क्या कहता है वो देखें, ए इज डॉटर ऑफ टी, ए इज डॉटर ऑफ टी, ध्यान से देखना क्या पूछा है, कौन सा संबंध सत्य नहीं है? हम लोग जल्दीबाजी में होते हैं, फटाक से टिक लगा देते हैं, तो संबंध सत्य, ये तो सत्य है, एफ एम का पुत्र है, एफ एम का पुत्र है, सही बात है, ए एफ का कजन है, ए और एफ कजन है, यही बात गलत है, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर भी है। तो क्वेश्चन नंबर 93 में जब आप जाएंगे तो क्वेश्चन 93 का आंसर आपके पास आएगा सी, क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 कंप्लीशन द डायग्राम, कंप्लीशन के लिए मैं इतना ही बोलता हूँ, इसका वाटर इमेज या इसका मिरर इमेज, चूंकि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो आपको ध्यान रख लेना है कि या तो नीचे वाले का वाटर इमेज बना दो या लेफ्ट वाले का मिरर इमेज बना दो, क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ ही जाएगा, इजीली आ जाएगा,
अगर आप देखें तो इस तरीके से आप बना सकते थे इसको और यहीं से आपको आंसर दिख भी जाता। ऐसा कोई फिगर आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऐसा फिगर आपके पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ये आपके पास रिवर्स में है। ओनली बी आपके पास ऐसा है जहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन का आंसर आपके पास अवेलेबल है। क्वेश्चन का आंसर आपका बी ऑप्शन था। काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है। काउंटिंग फिगर हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन पर्टिकुलर स्क्वायर, इस स्क्वायर में कितने स्क्वायर हैं तो उसकी बात कर लेते हैं। देखो अगर मैं एक सिंपल सा स्क्वायर आपको समझाता हूँ यहाँ के पर्पज से, तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 5 स्क्वायर आपके पास आते हैं। क्लासेस के दौरान कई बार हम लोग इस चीज़ को समझाते हैं कि ऐसा कोई भी स्क्वायर आपके पास अवेलेबल है तो इसमें 5 स्क्वायर आपके पास अवेलेबल है, 1, 2, 3, 4 और एक आपके पास पूरा पूरा 5। तो 5 तो आपके पास यहाँ से आपके पास आएंगे, उसके बाद में जाएँ तो 1, 2, 3 और 4 ये हैं, 1, 2, 3, 4 ये हैं और एक और एक 2 आपके पास है। 5 आपके पास पहले से है और 10 ये आपके पास अवेलेबल है यहाँ से, तो 15 तो आपके पास हैं। पहले मैंने 5 गिने, उसके बाद ये 4, ये भी 4, 8 और ये 2, 10 आपके पास अवेलेबल हैं। तो 15 तो आपके पास जनरली बन ही गए, इनमें से तो कोई बड़ा टास्क आपके पास आना ही नहीं था। अब और एक्स्ट्रा क्या है, और एक्स्ट्रा में आप जाओगे तो आपके पास अवेलेबल आएगा एक ऐसा और एक ये भी स्क्वायर है ध्यान से देखें तो, ठीक है, तो ये भी एक स्क्वायर आपके पास अवेलेबल, तो 2 ये बढ़ गए आपके पास में। अब देखिए 17 तो वैसे हो गए, तो 15 है नहीं, 16 है नहीं। उसके बाद में ध्यान से देखो तो इसको इंडिविजुअली, ये जो एक आपके पास और अवेलेबल है इसको भी आप इंडिविजुअली गिनेंगे तो एक और इंक्रीज करेगा, तो टोटल आप जाएंगे तो 18 स्क्वायर आपके पास में आ जाएंगे, 18 स्क्वायर आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो क्वेश्चन का आंसर आपका जो निकल गया है वो था 18 स्क्वायर साथ दिया इन पर्टिकुलर फिगर, इस चित्र में 18 वर्ग हैं। नेक्स्ट में हम लोग चलें तो यहाँ पर हमें कहा गया पेपर फोल्डिंग के रिस्पेक्ट में, पेपर को फोल्ड किया गया है सिक्वेंशली कुछ इस पैटर्न में और हमसे अब कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बनेगा। जब आप यहाँ पर से जाएंगे तो कौन सा बन जाएगा उसको देखें। पेपर का फोल्ड किया गया, पहले कोना आपके पास था ये वाला सेक्शन, ये और ये आपके पास अवेलेबल है। जब मैं इस वाले सेक्शन को फोल्ड करूँगा तो ये सेक्शन यहाँ तक ही फोल्ड होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और जब मैं इसको प्रॉपर फोल्ड करूँगा तो ये यहीं तक पहुँच पाएगा, यहाँ पर नहीं पहुँचेगा। तो अगर कट यहाँ पर लगाया गया है, कहाँ पर लगाया गया है, अगर कट यहाँ लगाया गया है, चूँकि तो हमारा जो फोल्डिंग प्रोसेस था वो तो यहीं तक में था एक्चुअली, यहाँ जो हमारा जो पर्टिकुलर पैटर्न है वो तो यहीं तक में था, तो आगे तो गया ही नहीं, तो ये सिंगल ही एक सर्कल आपके पास में बनने वाला है। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ सर्कल्स केवल एक ही रखें, 2 या 3 या 4 सर्कल्स नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, जल्दीबाजी में क्वेश्चन ना करें नहीं तो फिर से गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपके पास अवेलेबल है, इसको मैं बोलता हूँ लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट आपके पास अवेलेबल है, और लॉजिकल रीजनिंग में ये सिलेबस में एक चैप्टर है, ऑल एनिमल्स आर बर्ड, ऑल एनिमल्स आर बर्ड, ऐसा कुछ आपने लिखना था। सम एनिमल्स आर डॉग्स, सम एनिमल्स आर डॉग, ये डायग्राम आपके पास बनना था। कहता है सम डॉग्स आर बर्ड, सम डॉग्स आर बर्ड, यस परफेक्ट है। सम बर्ड्स आर डॉग, ये भी आपके पास परफेक्ट है। तो दोनों के दोनों ही निष्कर्ष निकलते हैं, दोनों के दोनों ही निष्कर्ष क्या होते हैं, कैलकुलेट आउट किए जा सकते हैं, दोनों के दोनों निष्कर्ष आपके पास अवेलेबल है। ऐसे ही नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो आपके पास अवेलेबल था, ये एक रेंडम सीरीज का क्वेश्चन है जहाँ पर लेटर नंबर और सिंबल्स आपके पास आते हैं। ऐसे क्वेश्चन जनरली रेलवे के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहाँ पर हमें कह दिया गया कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनके ठीक पहले लेफ्ट में एक व्यंजन कॉन्सोनेंट है और जिनके बाद में एक लेटर है अक्षर। तो आपको देखने हैं कॉन्सोनेंट नंबर लेटर, कॉन्सोनेंट नंबर, कॉन्सोनेंट एंड नंबर, कॉन्सोनेंट एंड नंबर, कॉन्सोनेंट और नंबर देखना है आपको, कॉन्सोनेंट नंबर और लेटर, एक तो ये रहा आपके पास। उसके बाद में आपको देखना है क्या कॉन्सोनेंट नंबर एंड अ लेटर, फिर ये आपके पास ये रहा कॉन्सोनेंट नंबर एंड लेटर। तो 2 पेयर आपके पास में बनने वाले हैं, तो आपके पास क्वेश्चन का आंसर है 2, कॉन्सोनेंट नंबर लेटर, कॉन्सोनेंट नंबर एंड अ लेटर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखने थे तो 2 पेयर आपके पास बनने वाले थे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 पेयर ऐसे हैं जिनमें वो फॉलो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं तो आपके पास यहाँ पर चूंकि एक्स वाई दिया है तो क्वेश्चन देखते ही समझ जाओ मिरर इमेज है, वाइजा वर्जा इसको उल्टे एक तरफ बनाना है, तो आपके पास बनना है बॉक्स
और ये जो बॉक्स है एज इट इज़ फॉर्मेट में यहाँ पर ब्लैंक है और ये एरो जो है सामने वाले बॉक्स की तरफ यूँ कुछ बनने हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं आपके पास है, ये और ये दो आपके पास अवेलेबल हैं, दोनों में से देखते हैं क्या आपके पास है, दोनों 0000 इक्वल टू है तो ये बनेगा नहीं, आपके पास क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आएगा, तो सी आपके पास क्वेश्चन का आंसर है, इजीली आप निकाल सकते थे। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसमें पूरा वो डेप्थ जो इंडेक्स का जो गिवन लैंग्वेज है उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और सिंपल सा हम लोग जो ऑप्शन हैं इन्हीं को काम में लेकर क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो एक वर्ड आपके पास है एफ आर ए एन के, ठीक है, तो मुझे इतना पता है कि लास्ट का जो नंबर है वो के लिए अवेलेबल है, ऐसे ही एन के लिए, उसके बाद ए आर और एफ के लिए, तो मैं पहले लास्ट नंबर से चेक करता हूँ 66 एफ के लिए है क्या, 66 के लिए है क्या, 60 and 6 के लिए नहीं है, ऑप्शन पहला कैंसिलेशन में, 60 और 5 के लिए है, ऑप्शन को रोकेंगे चेक करूँगा, 50 and 6 नहीं है, 65 तो दो ऑप्शन तो मैंने के बिहाफ पर ही कैंसिल कर दिए। अब मुझे पता है कि अब एन के लिए मैं चेक करने के लिए जाऊँगा और ये 85 और 58 है, 58 एम, ये तो एन है, कैंसिल आउट और आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा है बी, जो आपके क्वेश्चन का आंसर भी है। कैसे आप क्वेश्चन को इजीली, कैसे आप क्वेश्चन पे कमांड करते हैं, क्या क्या आइडियाज़ आपको रखने होते हैं क्वेश्चन के दौरान, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई एक्सप्लेनेशन के दौरान भी, क्वेश्चन को कैसे देखना है, उस पर कैसे एक्ट करना है और उसके बाद जल्दी से क्वेश्चन को कैसे आंसर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, ये सब चीज़ें और आगे परीक्षा के लिए शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ कि इस पर्टिकुलर नॉन टेक में आपने बढ़िया परफॉर्म किया हो और अच्छे से आपने नंबर स्कोर किए हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.